आइए हम लोग लुकअप के साथ में सब्स्टिट्यूट फॉर्मूले का एड करना सीखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास A1 से लेकर के B5 तक डेटा है। यहाँ फर्स्ट कॉलम में विकल्प नंबर दिए गए हैं एंड सेकेंड कॉलम में टाइप से विकल्प हैं, और यहाँ पे हमें विकल्प नंबर के हिसाब से टाइप से विकल्प चाहिए। बट प्रॉब्लम से यहाँ पे ये है कि विकल्प नंबर जो यहाँ पे दिए गए हैं, यहाँ पे जितने भी विकल्प नंबर मेंशन है यहाँ पे सबके बीच में स्पेस है, जबकि हमारे पास जो डेटा है वहाँ पे विकल्प नंबर में एक भी स्पेस नहीं है। तो जब इस तरह की प्रॉब्लम हो तो हम इस केसेस में Vlookup के साथ में सब्स्टिट्यूट फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। तो ये देखिए हम Vlookup के साथ सब्स्टिट्यूट फॉर्मूला का यूज करते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए टेक्स्ट है, तो टेक्स्ट में हम ले लेंगे एंड हम यहाँ पे ये जो स्पेस है उसको खत्म करना है हमें, उसके लिए कॉमा देकर के लिफ्ट तो ओल्ड टेक्स्ट में एंड ये स्पेस खत्म करना है, तो स्पेस लेंगे हम यहाँ पे एंड कॉमा दे करके न्यू टेक्स्ट में हम क्या लेंगे नल कर देंगे उसको। ये देखिए हम ब्रैकेट बंद करते हैं। अब यहाँ से यहाँ तक हमारा लुकअप वैल्यू हो गया एंड उसके बाद कॉमा दे करके एक टेबल एरे लेना है। टेबल एरे यहाँ से A1 से लेकर के B5 तक हो जाएगा एंड उसके बाद कॉमा कॉलम इंडेक्स नंबर यहाँ 2 है, तो कॉलम इंडेक्स नंबर 2 डाल देंगे एंड एग्जैक्ट मैच के लिए हम यहाँ पे 0 या फॉल्स लिख सकते हैं और ब्रैकेट ब्रैक बंद करते हैं और इंटर मारते हैं। ये देखिए हम यहाँ पे जब नीचे तक ड्रैग करते हैं तो ये डेटा हमारे पास आ गया। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें एंड अपने फ्रेंड्स वगैरह को शेयर करें एंड बेल बटन पर क्लिक करना ना भूलें, जिससे कि जो भी वीडियोज मैं अपलोड करता हूँ सारे के सारे वीडियो आपको मिलते हैं।